ओम सूर्य देवता नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आयुर्वेदिक पौधे और उनके उपचार के बारे में आपको जानकारी देता हूं, तो दोस्तों उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने लेकर के हूं बहुत ही मस्त बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक चमत्कारी का आयुर्वेदिक पौधा हारसिंगार का। जी हाँ दोस्तों, हारसिंगार का एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के काफ़ी सारे रोगों को काफ़ी जल्दी ठीक कर लेते हैं और काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो दोस्तों साइटिका हो, गाठियाबाद हो या अर्थराइटिस हो, यानी शरीर के किसी भी जोड़ों में दर्द हो या पीलिया क्यों ना हो, यानी लीवर इन्फेक्शन, यानी हमारे शरीर के काफ़ी सारे रोग जो होते हैं जिनको यह ठीक करने में सक्षम होती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आज हम इसी के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में आपको बताएंगे कि हम इसके माध्यम से यानी हारसिंगार के माध्यम से हम अपने शरीर के काफ़ी सारे रोगों को कैसे ठीक कर पाएंगे और हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप उन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हारसिंगार के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जानते हैं। शुरू करने से पहले आप इसके पौधे की पहचान कर लीजिए। आप इसके पौधे की पहचान करेंगे, इसकी पत्ती को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी पत्ती एकदम डार्क रंग की हरे रंग की होती है, जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों इसकी पत्ती काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और इसको अपने घर में लगाते भी हैं और इसके उपयोग भी करते हैं, पर जो लोग नहीं जानते मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसकी पत्तियों को देख लीजिए, इसकी पत्तियों को आप देखेंगे तो एकदम डार्क रंग की हरे रंग की दिख रही है और हल्के हल्के कांटे जैसे रहते हैं इसकी पत्तियों में। अगर आप हाथ से छुएंगे तो छूने के बाद आपको महसूस होगा कि एक साइड तो आपका हाथ जा रहा है पर आपका हाथ लौट नहीं रहा, और इसकी जो पत्ती एकदम कड़ी होती है, मतलब आप अपने हाथों से छुएंगे तो टूटती है, कट कट जैसी आवाज़ आती है। तो ये दोस्तों ये हारसिंगार का पौधा है, इसे परिजात के नाम से भी जाने जाते हैं और काफ़ी सारे भिन्न भिन्न लोगों में काफ़ी सारे इलाकों में अलग अलग नाम से भी जानते होंगे, पर मैं इसलिए इसकी पहचान करा रहा हूँ कि आप इसे पहचान कर लीजिए। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है यह परिजात हरिसिंगार का ही पौधा है। तो दोस्तों यह पौधा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पौधा है हमारे शरीर के लिए, ये दोस्तों वैसे भी हारसिंगार है। हारसिंगार मतलब हारसिंगार मतलब भगवान विष्णु को इसका फूल जो है बहुत प्रसन्न करता है, और आप इसके फूलों की माला अगर भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे तो भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के माध्यम से देखिए, ये जो पत्ती दिख रही है इसकी एकदम एक तरफ तो हाथ आपकी जाएगी पर दूसरी तरफ आपके हाथ नहीं जाएगी, एकदम डार्क रंग की हरे रंग की पत्ती दिखती है। तो इसकी पत्ती बड़ी भी होती है। यह दोस्तों अक्टूबर नवंबर के माह इसमें फूल आते हैं, उसके बाद इसमें फूल नहीं आते, गर्मी के समय ये पूरी तरीके से झड़ जाता है। इसमें पत्तियाँ भी नहीं बचती, सिर्फ डंठल डंठल बचती है। इसकी डंठल को भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी डंठल जो होती है एकदम गोल रंग की डंडी नहीं होती, इसकी डंठल में जो होती तने में जो होती है एकदम चौकोर टाइप का इसमें बना होता है। तो दोस्तों यह जो हो गया इसके, हमने आपको इसके ये बता दिया कि इसकी पत्तियाँ देखिए आप, एक तरफ से आप इसके कीजिए और एक तरफ से ये जाएगा पर वापस लौटने में ये थोड़ा वो लगेगा, एकदम कड़क रहती है, आप जैसे तोड़ेंगे तो टूट भी रही देखो हाथों से, तो आप इससे भी इसकी पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसके फूल, आप इसके फूल को देख सकते हैं, पांच कुटी टाइप के फूल होते हैं। इसके पत्ती, इसके फल और इसके फूल तीनों चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, पंचांग बनाकर के भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एकदम आप देख सकते होंगे बहुत ही चांदनी टाइप के इसके फूल दिखते हैं। यह दोस्तों जिसे नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन में इसके फूल नहीं खिलते, इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते साथ ही ये फूल जो है इसके होते हैं वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में कैसे जानना है और कैसे हम उसको उपयोग करना है। तो दोस्तों आयुर्वेदिक गुण में फूलों का इस्तेमाल जो होता है वह काफ़ी सारे रोगों के लिए किया जाता है, फिर भी मैं एक जानता हूँ जिसका मैं आपको उपयोग बता रहा हूँ। जो माताएं बहनें मतलब उनमें जो होती है गर्भधारण करने की जिनमें क्षमता नहीं होती, तो उनमें दोस्तों इसके फूल का जो होता है, इसके फूल को गुलकंद टाइप के बना करके, यानी गुलकंद बना करके आप इसका सेवन करो, मतलब एक एक परत आप फूल की रखिए, उसके ऊपर शक्कर का रखिए और फिर उसके बाद फिर फूल आप रखिए, तो मतलब एक ऐसे भरनी में रख करके उसको धूप में सुखा करके 15 से 20 दिन बाद आप इसका सेवन करेंगे तो काफ़ी सारे रोगों के लिए काफ़ी अच्छी औषधि होती है। और दोस्तों यह भी है कि इसके फूल का जो है, आप इसके फूलों को सुखा करके चूर्ण बना लीजिए, बढ़िया पेस्ट बना लीजिए सुखाने के बाद, और जिन जो माता बहनों में रक्त प्रदर होती है या फिर उनमें जो है ब्लड जाने की समस्या रहती है या महामारी की समस्या रहती है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल, इसके फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, थोड़ा गुनगुने दूध में इसके एक चम्मच पाउडर डाल करके, सुबह के समय एक चम्मच पाउडर डाल करके, फूल के पाउडर डाल करके आप उसका सेवन करेंगे तो जो माताएँ बहनें जिनमें संतान नहीं हो रही तो उनमें संतान को भी यह
दे देता है। तो दोस्तों ये संतान, जिन लोगों को संतान नहीं हो उनके लिए काफ़ी अच्छा पौधा यह माना जाता है। अब दोस्तों इसके पत्तियों के गुण जानते हैं। तो पत्ती जो दोस्तों इसकी जो पत्ती होती है अर्थराइटिस, साइटिका या फिर जोड़ों के दर्द, गाठियाबाद के, तो ये तीनों प्रकार के रोगों के लिए काफ़ी होती है। यह जो होती है इसकी पत्ती जो होती है शीतलता होती है, उष्ण गाठियाबाद के लिए काम नहीं आती और ना ही उष्ण साइटिका में यह काम आती है। तो जिन लोगों को अगर शीत की वजह से साइटिका है या फिर गाठियाबाद है तो उसके लिए काफ़ी असरदारक मानी जाती है। तो आपको करना क्या होगा, इसकी 5 से 6 पत्तियाँ कि आपको लेना है, 5 से 6 पत्तियों को लेकर के बेहतरीन आपको एक गुनगुने पानी में डाल देना है और उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद पत्ती को निकाल करके आप फेंक दो और जो पानी बचेगा, जो काढ़ा बचेगा, आप उसको पीजिए। सुबह शाम या दिन में 3 टाइम आप पियेंगे तो पीने से आपका यह होगा कि आपके शरीर में जो भी गाठियावाद की समस्या या फिर ग्रीसिंग की समस्या या आपके जोड़ों में जो ग्रीस है वो खत्म हो गया, तो उसमें यह काफ़ी जल्दी निजात दिला देता है। तो दोस्तों जिन लोगों को पीलिया या फिर लीवर इन्फेक्शन है, लीवर इन्फेक्शन, पीलिया, साइटिका, ऑर्थराइटिस, तीनों के लिए इसका सेवन आपको करना होगा। इस्तेमाल ऐसा करना होगा कि आप इसकी जो सुबह की जो 4 से 5 पत्तियां, पत्तियों का आकार पर निर्भर करता है, आप इसके जो ऊपर की देख रहे होंगे कोमल कोमल पत्तियां, आप इसकी ले सकते हैं 4 से 5 पत्तियां लेकर के, उसका बेहतरीन मस्त काढ़ा बना करके सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो यह पीलिया को भी ठीक कर देता है और यह दोस्तों साइटिका अर्थराइटिस को भी ठीक करने में काफ़ी रामबाण औषधि मानी जाती है। और जिन लोगों में अगर बुखार है, नॉर्मल बुखार है, सर्दी खांसी जुखाम, अगर किसी भी प्रकार की अगर आप में विकृति है तो इसका इस्तेमाल जो है बुखार के लिए आपको करना होगा। तो बुखार में आप इसका ये कर सकते हैं कि जब आप इसका काढ़ा बनाएं, पत्तियों का काढ़ा बनाएं, तो उसमें थोड़ी सी आपको अदरक डालनी होगी और थोड़ा सा अगर हो सके तो आप इसमें लौंग डाल दीजिए, 4 से 5 लौंग डाल करके आप इसका काढ़ा बना करके पीजिए, तो आपको टेस्ट भी आएगा और यह जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको इसके हार श्रृंगार के काफ़ी सारे आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बताया है और जो भी मैंने बताया है दोस्तों इस पर यह रामबाण काम करती है। इसके बीज का जो उपयोग है वो नहीं बता रहे, नहीं बीज का उपयोग आपको ये करना है। काफ़ी ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बताया कि आपको इसके जो बीज होते हैं इसके बीज को जो है हल्का जो कड़वा तेल या फिर आप नारियल तेल, नारियल तेल में इसके बीजों का चूर्ण जो है अच्छी तरीके से कूट पीस करके इसके चूर्णों को आप डाल दीजिए नारियल तेल में और उसमें हल्का सा कपूर मिला लीजिए। तीनों को मिक्स करने के बाद कम से कम 2 दिन तक के आपको धूप में रखना पड़ेगा नारियल तेल को, और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर आप उसको नीचे ला करके ठंड में रख करके आप उसको जब भी अपने बालों पर लगाएंगे या फिर जिस जगह पर बाल नहीं आ रहे तो उस जगह पर आप लगाएंगे तो ये काफ़ी जल्दी आपके बालों को उगाने में काफ़ी मदद करती है। तो दोस्तों आज हमने हार श्रृंगार के आपको आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बताया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नए आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक लीजिए हर हर महादेव।